बाजार बाइट्स में आपका स्वागत है। सुनील जी, वेलकम टू द शो। सुनील जी, इतने सालों से तो हम क्यों स्टॉक ले रहे थे, क्यों बेच रहे थे, पीछे मुड़ के देखे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट अब जब हमें कुछ नॉलेज हो गई है, कुछ अवेयरनेस आई है, तो हमें ये बताइए, कोई भी स्टॉक लेने के लिए क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस एक अपने आप में पूरा सिस्टम है, इज सफिशिएंट, या फिर कुछ और भी है जो हमें देखना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में तो पूरा सिस्टम है, लेकिन जब भी आप स्टॉक को बाय या सेल करते हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले तो, जैसे मैंने काफ़ी बार पहले बताया, कि आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक्चुअली चार्ट रीडिंग है। चार्ट रीडिंग के अंदर अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी और उपाय नहीं है, आपको सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस ही देखना है, क्योंकि इतने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर, चाहे इंट्राडे में कई लोग काम करते हैं या एक दो दिन की ट्रेडिंग है, उसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल से क्या लेना देना है, कंपनी क्या बेच रही है क्या नहीं बेच रही, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप इससे ऊपर के टाइम फ्रेम में जाते हो, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन टाइम फ्रेम आपका बड़ा है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के और जो टूल्स होते हैं, बड़े टूल्स, जैसे ट्रेंड को आपको देखना है कि ट्रेंड किस तरफ का चल रहा है, पहली बात। तो दूसरा, मेरा अपना मानना यह है, मैं आपको वो बता देता हूं जो मैं करता हूं जी, बाकी तो हर एक का अपना अपना सिस्टम है, हर आदमी की अपनी नेचर है, वो कैसे काम करता है, कोई आदमी किसी में कंफर्टेबल है, कोई आदमी किसी में कंफर्टेबल है। जब भी ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक लिया जाता है, 2-4-6 महीने के लिए या 1 साल के लिए कोई ट्रेड अगर मैंने लिया है कैश के अंदर या फ्यूचर के अंदर, मेरी कोशिश ये पर्सनली होती है कि मैं ये देखूं कि वो कंपनी काम क्या करती है, कम से कम मुझे ये पता हो कि कंपनी काम क्या करती है। ऐसा नहीं हो किसी का भी मेरे सामने चार्ट आया, रामलाल छानलाम घनश्यामलाल, मैंने किसी का भी चार्ट उठाया और मैंने उसको अपना ले लिया कि ये रामलाल नहीं चल रहा कल श्यामलाल चलेगा, श्यामलाल नहीं चल रहा घनश्यामलाल चलेगा, ऐसा नहीं। मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या काम करती है वो कंपनी, उस कंपनी का बिजनेस किस चीज का है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस एरिया में फोकस है उसका, किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, कम से कम इतनी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। छोटी मोटी रीडिंग करना फिर भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हमको बिल्कुल अंदर नहीं जाना है उसकी, कि उसकी रेशियोज क्या है, उसका पी कितना है, उसका ईपीएस कितना है, उसकी कैश फ्लो कितना आ रहा है, कंपनी कहाँ एक्सपेंड कर रही है, कंपनी ने कौन सी फैक्ट्री नहीं लगा ली, इतनी डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन कम से कम मैं ये जरूर देखता हूँ कि वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आज की डेट में वो बिजनेस मॉडल वायबल है नहीं है, उसका फ्यूचर क्या है। अगर ये सब चीजें छोटी 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 चीजें आप नोट कर लो और उनको एक जगह पे ले आओ और उसके बाद आप चार्ट्स पे जाओ ना, दिमाग में क्लैरिटी होता है पूरा कि एक कंपनी का बिजनेस ये है, अब इसका चार्ट ये बोल रहा है, उस बिजनेस के बारे में मेरा क्या विचार है और लोग क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है, फ्यूचर क्या है उस काम का, उस धंधे का, वो कंपनी कितने साल से सर्वाइव कर रही है, उसके उस पास्ट में सर्वाइवल के कितनी दिक्कतें आई हैं, उस कंपनी के प्रमोटर कौन हैं, कहीं वो ही तो चोर नहीं है, कई कंपनियां ऐसी उनके प्रमोटर ही डाकू हैं, आप कुछ भी कर लो उनका स्टॉक चलता ही नहीं कभी भी, वो प्रमोटर को अठन्नी नहीं देती कभी भी, कंपनी कितना ही कमाती हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत है यहाँ पे, कि आप देखेंगे कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक आ रहा है, कंपनी सेक्टर में भी अच्छी है, लेकिन मालिक डकैत है पूरे, वो 50 पैसे नहीं देते इन्वेस्टर को, वो ना तो डिविडेंड देंगे, ना कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का प्राइस कैसे, शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा जब आप इन्वेस्टर को कुछ दे ही नहीं रहे, आप इन्वेस्टर के लिए वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर रहे कुछ भी, आप कंपनी में प्रॉफिट कमाते हो उसको यहां लगा दिया वहां लगा दिया फलाना कर दिया ढिमकाना कर दिया, ऐसे काम करेंगे वो उसमें जिनकी उनकी अपनी वेल्थ क्रिएट हो रही है लेकिन शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसी कंपनियों से हमेशा बचना चाहिए। चाहे आपका टाइम फ्रेम जब बड़ा हो थोड़ा सा, जब आप 2-4-6 महीने साल भर के लिए देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे मैं चार्ट के बेसिस पे ले रहा हूं, चार्ट भी उसका ठीक बोल रहा है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, चार्ट ठीक बोल रहा है और उस चार्ट में कितना इंक्रीमेंट आएगा ये डिपेंड करता है वो कंपनी काम कैसा कर रही है, कंपनी का एक्चुअली मॉडल क्या है, उसके मालिक कौन है। आपने मान लेते हैं एक चार्ट देखा जी, चार्ट एक अच्छी सी रेंज बना के साइडवेज है रेंज में, और उसका साइडवेज रेंज से एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया, आपने कहा ये है चार्ट, बहुत बढ़िया गोल्डन चार्ट मिल गया मुझे आज, लेकिन वो किसी ऐसी डकैत कंपनी का है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, वापस आ जाएगा थोड़े दिन में अंदर, फिर क्या करोगे आप, चार्ट तो ठीक था।
और यही चार्ट अगर किसी ऐसी कंपनी का है जो बहुत ही सुपीरियर कंपनी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम में, अच्छे बिजनेस में है, मालिक बहुत अच्छे हैं, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसका वो ब्रेकआउट बहुत बड़ा बन जाएगा। चार्ट दोनों ही एक जैसे थे लेकिन एक जो है वो फेल हो जाएगा और एक पास हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको राइट समय पे ले लो। आप देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का एक फर्क है, जो लोग बहुत सालों से इस मार्केट में हैं वो जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये आपको बताता है कि इस स्टॉक को कब लेना है, और फंडामेंटल आपको बताता है कि क्या लेना है। ये क्या और कब का फर्क है सिर्फ। आपको टेक्निकल एनालिसिस ये कभी नहीं बता सकता कि क्या लेना है, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो उसमें आ गया कि खाली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ले सकता हूं क्या। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कब लेना है, उसके पास में सिर्फ व्हेन का आंसर है, व्हाट का आंसर उसके पास नहीं है, क्योंकि वो चार्ट्स है। वो चार्ट किसी भी चीज का बनाओ, सोने का बनेगा तो भी ऐसा बनेगा, चांदी का, कॉपर का, हीरे का, लोहे का, किसी का चार्ट बना लो, सब एक जैसे बनेंगे। अब आप खाली चार्ट देखकर ये पता नहीं चला सकते कि ये किसी ऐसे स्टॉक का चार्ट है जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, या किसी कॉपर का या चांदी का चार्ट है। चार्ट में कोई नाम नहीं लिखा होता किसी का, नाम ऊपर लिखा होता है, अगर नाम हटा दो आप पहचान नहीं पाओगे ये चार्ट किसका है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि इस स्टॉक को या पर्टिकुलर ये कंपनी को कब लेना है, लेकिन क्या लेना है इसका आंसर सिर्फ आपके फंडामेंटल के पास है जब आप स्टडी करते हो। अब फंडामेंटल के अंदर दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है बिल्कुल ऊपर ऊपर की स्टडी, बेसिक, जो मैं करता हूं या हमारे जैसे लोग करते हैं, एक होती है बहुत ही डीप स्टडी, जिनको आप पूरा दिन टीवी पे सुनते हो, उनको खुद भी समझ नहीं आती अपनी बातें, कई बार कैसी कैसी बातें बोलते हैं, अजीब अजीब सी हो तो इतनी गहराई में तो नहीं जा सकता मैं, ना मैं जाता हूं। हम ऊपर ऊपर देखते हैं कंपनी कैसी है, मॉडल कैसा है, उसके मालिक कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, उसके प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा है। ये बेसिक चीजें जब आपको पता चल जाए, अब आप चार्ट पे आओ, अब आप देखो इसको कब लेना है। ये दोनों चीजें जहां मिलेंगी वहीं पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुनील जी, जब बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो वहां पे शायद टेक्निकल एनालिसिस की रेलेवेंस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करें, हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो हमें कंपनी के थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। हाँ, जरूरी बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। देखो, बिना बेसिक नॉलेज के अगर आज एक आउटडेटेड इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री का काम धंधा ही खत्म होने वाला है, उसके अंदर जाके आप करोगे क्या। अब मान लो नोकिया एक कंपनी थी, वो पुश बटन से फोन बनाती थी, अब कल को स्मार्टफोन आ गए, उसने बनाए नहीं, आप उसका स्टॉक होल्ड करके बैठे रहो नोकिया का, ठीक है ये बहुत बढ़िया कंपनी है, फोन बनाती है, लेकिन जो बना रही है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। इतना तो समझ होनी चाहिए आपको। चार्ट क्या करेगा, चार्ट घूम जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे मैं तो फंस गया सर, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने। तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि चीजें जो बदल रही हैं वो कंपनी क्या पार्टिसिपेट कर रही है उनके अंदर के नहीं कर रही है। एक कंपनी रिजिड होकर बैठी है, मुझे जाना ही नहीं है उस तरफ, तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं वो कंपनी ऐसी तो नहीं है कि बिल्कुल कहीं किसी अटक गई है। मान लेते हैं डीजल गाड़ियों का है, अब डीजल गाड़ियों के पीछे आपने सुना, पीछे काफी ज्यादा उसके ऊपर जो है इश्यूज उठे, अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। मान लेते हैं फ्यूचर में आने वाले 2-4-5 साल में कोई ऐसे रूल्स आ गए, रेगुलेशन आ गए, या लोगों की आदतें इस तरह उभर गई कि हमारे को डीजल गाड़ियों की तरफ नहीं जाना, इनसे पॉल्यूशन भी बहुत होता है और ये होता है, हम तो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएंगे। अब एक कंपनी कहती है मैंने इलेक्ट्रिक बनानी नहीं है, अब जो स्टॉक होल्ड करके बैठे रहोगे तो आप तो मर जाओगे, क्या करेगा, चार्ट घूम जाएगा अपने आप थोड़े दिन बाद। ऐसे आपको वॉच करना है, आंखें और कान खुले रखना है कि इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या जो कंपनी मेरे पास है वो उन चेंजेस को कर पा रही है या उसकी इच्छा है उसको कर पाने की। ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है एक आम इन्वेस्टर को, लेकिन ये छोटी चीजें नोट करनी बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ और भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और आपने जो बात कही उस पर मुझे कुछ याद आ गया, शेयर करूंगा। कुछ साल पहले एक इन्वेस्टर मिले थे मुझे, तो उन्होंने मुझे एक चार्ट दिखाया और उस पर लिखा हुआ था स्टॉक का कुछ नाम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, उन्होंने कहा ये इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। मैं उनसे पूछा कौन सी कंपनी है, उन्होंने कहा अलबक। उनको ये नहीं पता था अलबक से बनता क्या है, ये अलाहाबाद बैंक है, उनको उन्होंने इतना भी जानने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत शातिर टेक्निकल एनालिस्ट समझते थे। तो व्यूअर्स, टेक्निकल एनालिसिस की पूरी रेलेवेंस है, वो काम करता है, लेकिन जिस तरह दुनिया में हर एक चीज की एक लिमिटेशन है, टेक्निकल एनालिसिस की भी एक लिमिटेशन है।
जब आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो आपको एटलीस्ट कंपनी के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए, वो कर क्या रही है वो कंपनी, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए केयर करते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, ऐसा ही हम इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम तक पहुंचाइए, हम उनको अपने शो में इंक्लूड करेंगे और इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू।